हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम क्रिएट करने वाले हैं दो और टेबल्स। एक है मॉट फाइनल टू और दूसरा है कार्डियक डीएक्स। तो ये दो टेबल के लिए हमें ओपन करना है एसक्यूएल लाइट, और ये एसक्यूएल लाइट का सेशन मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पर आपको टेबल क्रिएट करना है। तो ये देखिए, पहले में अगर कोई एग्जिस्टिंग टेबल है मॉट फाइनल टू का, तो मैं उसे ड्रॉप करके और फिर हम जो डेटा सेट है उसमें से हम मॉड फाइनल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट मॉड फाइनल टू। तो ये टेबल को हम ड्रॉप कर देते हैं और फिर क्रिएट करेंगे मॉड फाइनल टू एज सेलेक्ट एम डॉट विजिट आईडी। मतलब हमारा जो विजिट का टेबल है उससे हम विजिट आईडी लेंगे, पीआईडी, देन अटेंडिंग एमडी, विजिट डेट, पी आर आई डी एक्स, सेक्स डी एक्स, देन बर्थ डेट, देन हमारा जेंडर, हाइट, वेट, टेम्परेचर, पल्स रेट। ये सब हम दो अलग अलग टेबल से लेंगे। मॉड फाइनल एज एम, लेफ्ट आउटर जॉइन, वाइटल्स एज वी। तो ये हमने टेबल ले लिया। अब हम इसको क्रिएट करेंगे। जहां पर विजिट आईडी मैच होता है दोनों टेबल्स का, वहां पे हम लेफ्ट आउटर जॉइन करके ये टेबल का डेटा हम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा मॉट फाइनल टू क्रिएट हो गया। अब इसमें हमें एक कॉलम ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल मॉट फाइनल टू ऐड कॉलम एज ईयर्स इन ईयर्स रियल। तो ये हमने यहाँ पर पर्सन का एज हमने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज ऐड करना है। तो हम पहले इसको ऐड करें, अपडेट करेंगे, अपडेट मॉड फाइनल टू एज इयर्स राउंड करके हम जो विजिट डेट माइनस बर्थ डेट है उसको 365 से डिवाइड करके 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करेंगे, ताकि हमें जब वो पर्सन ने क्लिनिक में विजिट किया वो डेट से हम उसका बर्थ डेट से डे कैलकुलेट नंबर ऑफ इयर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेटर कॉलम आ गया। अब अगर चाहिए तो आप इसका मॉड टू फाइनल का डेटा आप देख सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मॉड अंडरस्कोर फाइनल अंडरस्कोर टू। तो ये हम डेटा देख लेते हैं। ये देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो गया, जिसमें हमने दो अलग अलग टेबल से डेटा लेके मॉड फाइनल टू क्रिएट किया, और फिर हमने इसमें बर्थ डेट का एज का कॉलम हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको ऑल्टर करके इसमें एक और कॉलम ऐड करेंगे, CHF अंडरस्कोर DX। तो ये देखिए ऑल्टर टेबल करके मैंने एक और कॉलम यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे, तो हमें लिखना है अपडेट मॉड फाइनल टू सेट CF अंडरस्कोर DX इज इक्वल टू 1, वेयर द PRI DX इज इक्वल टू I50.9 और DXX DX इज इक्वल टू 150.9। तो ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कॉलम। तो ये टेबल हमारा अपडेट हो गया। इसके बाद इसमें हम एक और कॉलम ऐड करेंगे बाय ऑल्टर टेबल कमांड, और ये कॉलम है HTN अंडरस्कोर DX इंटीजर, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये हमने एक और कॉलम यहाँ पर ऐड कर दिया HNTDX। अब हम इसे अपडेट करेंगे और हम लिखेंगे अपडेट मॉड फाइनल टू सेट HTN अंडरस्कोर DX इज इक्वल टू व्हेन 1, वेयर द PRI DX हमारा हो जाएगा I10 और द जेंडर इज I10। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए हमारा टेबल अपडेट हो गया। अब हमें एक और कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पर हम ऑल्टर टेबल करके एक और कॉलम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब इसको हमें अपडेट करना है, जहां पर PRI DX I20 है वहां पे इसको हमें वैल्यू 1 करना है। तो ये देखिए मैंने ऑल्टर करके वैल्यू 1 कर दिया। अब करना है ऑल्टर टेबल, इसमें कॉलम ऐड करेंगे
DIB अंडरस्कोर DX, तो ये एक और कॉलम हमने ऐड कर दिया मॉड फाइनल टू में DIB DX। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डायबिटीज 1 लिखेंगे, वेयर द PRI DX वैल्यू इट इज इक्वल टू E11.9। तो ये देखिए ये हमारा टेबल अपडेट हो गया। अब हमें दूसरा कॉलम ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल मॉट फाइनल टू ऐड कॉलम पल HTN अंडरस्कोर DX। तो यहाँ पर हमने एक और कॉलम ऐड कर दिया, तो ये देखिए कॉलम ऐड हो गया। अब हम इस टेबल का जो कॉलम है उसकी वैल्यू 1 करेंगे, जहां पर PRIDX इज I27.0। तो मैंने इस कॉलम को अपडेट कर दिया, तो इस तरह से हमारा मॉड टू फाइनल का टेबल क्रिएट हो गया। और हमने यहाँ पे टेबल को ऑल्टर करके एडिशनल जितने भी कॉलम्स हमें चाहिए थे वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। तो अब मैं आपको सिलेक्ट करके एक बार दिखा देती हूँ। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मॉट अंडरस्कोर फाइनल अंडरस्कोर टू। तो ये जो टेबल है इसका डेटा हमने सिलेक्ट कर दिया, और हमने जो भी वैल्यूज यहाँ पर कॉलम ऐड करके जो भी हमने वैल्यूज इंसर्ट की थी लाइक 1 और 0, वो देखिए यहाँ पर जो लास्ट कॉलम्स है उसमें ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है। तो आई होप दिस प्रैक्टिकल इज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।